लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। रिसेप्शनिस्ट की लाश मिल गई। क्या? सर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। चलो। ये सब कुछ नहीं हो सकता। रैंचो मेरे रैंचो, रैंचो मेरे रैंचो, रैंचो बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, तू है जहां मैं वही। Ha 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 ha
क्यों ली तुमने उसकी जान? बताओ जवाब तो मुझे। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं कुत्ता हूं, सुअर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम प्रिया की जान ले सकते हो तो मीरा देवी को खत्म क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? मेरी जरूरत क्यों है तुम्हें? हाँ, प्रिया एक आम इंसान थी राजा। हिंदुस्तान में आम इंसान पलक झपकते पैदा होते हैं, दुखी मत हो। लेकिन मीरा आम इंसान नहीं है। चारों तरफ उसकी जान के रखवाले हैं, पुलिस है। और मेरे लिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि सब जानते हैं कि होनी कोई भी हो सकती है, लेकिन डिटेक्टिव राजा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे लिए कोई ये खून कर सकता है तो वो सिर्फ डिटेक्टिव राजा कर सकता है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए खून नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं तुम्हारे लिए खून। अरे सुना, खून नहीं करेगा? काट दो बंदर का गला उस तरह से। नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है डिटेक्टिव राजा? ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करूंगा। मैं खून करूंगा तुम्हारे लिए। वेरी गुड, तो काम 6 बजे तक हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? तक। hey man, क्या हुआ? hey, इतना चिल्लाए क्यों? भड़ास। कभी कभी जब खुद पर गुस्सा आता है ना तो ऐसे ही निकाल लेता हूं उसको। Come on, relax. राजा, somebody told me ये होटल का रिसेप्शनिस्ट सुसाइड किया। खुदकुशी? खुदकुशी? Yeah, somebody told me. आज का दिन इट वाज अ हॉरिबल डे फॉर मी। रियली, एक गॉडलेस माइक की वजह से मेरा शूटिंग कैंसिल हो गया। बताओ, मैं आई टेल यू 50 बार इनको बोला होगा कि आउटडोर लोकेशन पे गॉडलेस माइक पे बिलीव करने से नहीं चलेगा। बट दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ये डिटेक्टिव केसेस में यूज होता था ये बटन माइक, उसको ये लोग मीडिया में लेके आए पुलिस पीपल। आई थिंक हेलो व्हाट हैपेंड? हां, नहीं कुछ नहीं, तुम बोलते रहो प्लीज। हम क्या बोलेगा मैं, नाम स्पेशल इफेक्ट वाला आदमी है। रियली, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस डायरेक्टर पीपल। आई रियली, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हुआ? आई थिंक यार ऐसा लग रहा है कुछ रानी जी जैसे कोई चीज काट रही है। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, हम डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। हाँ डायरेक्टर, वैसे ये लोग होते अजीब ही हैं ये लोग और तुम्हारी लाइन। हजारों को हंसाते हैं, हजारों को बुलाते हैं। किसी दिन इत्मीनान से बैठकर समझना चाहूंगा सब कुछ। यू आर ऑलवेज वेलकम। ए बाय द वे, हम तुमको आफ्टरनून में मोबाइल किया, तुम पिक नहीं किया। क्या कहा? तुमको आफ्टरनून में मोबाइल किया, तुम पिक नहीं किया। वेयर आर यू? जय, अगर इलेक्शन का मतलब लोगों की जान जाना है तो मैं नहीं लड़ना चाहती इलेक्शन। नहीं जाना है मुझे आज की सभा में। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उस लड़की ने खुदकुशी की है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं समझती? अरे 15 साल से हूं मैं पॉलिटिक्स में। Why don't you understand? ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। वैसे भी मैडम, अब वक्त ही कितना बचा है। नीचे हॉल में लोगों का आना भी शुरू हो गया है। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज। मीरा, तुम कमाल करती हो कई बातों। चाचू छोड़ो ना, हम लोग नीचे चलते हैं, चाची अपने आप नीचे आ जाएंगे। हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ जाना। मैडम पुलिस को बोलो। जी सर। उमा तुम भी जाओ प्लीज, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन मैडम मैं। उमा तुमने सुना नहीं? प्लीज। जी मैडम। Thank you.
हाथ ऊपर करो वरना गोली मार। राजा रिलैक्स रिलैक्स नथिंग मेरा ये स्पेशल पिक मेरा कार मेरा टॉय आई जस्ट शो यू ओके ये मेरा कार है इसके अंदर देखो ये कैमरा कैमरा फिट किया ओके कैमरा फिट किया है और ये आने वाले इसका जो रेंज के अंदर आदमी आने सकता है उसका हम उसको हम टीवी से कनेक्ट किया उसका तस्वीर वो तक टीवी पे दिखता है ओके आई जस्ट शो यू ओके नाउ आई हैव एंगल यू तुमको एंगल किया हम अभी तुम जस्ट शिफ्ट योर फोकस दे उधर देखो तुम्हारा फोटो ओके दिस इज माय स्पेशल स्पेशल राजा तुम्हारा मोबाइल देने से क्या हाँ क्यों राजा हमको लगता है ये आदमी काफी इंटेलिजेंट होना सकता है तुमसे ये काम करवाना मांगता है अदरवाइज डिटेक्टिव राजा का मोबाइल बदलना जेरी ये जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही प्लानिंग के साथ हो रहा है और हाँ मरने से पहले प्रिया ने लिखा था ऐसी एक्स सेक्स और एक प्रिया ही ऐसी थी जिसने कातिल का चेहरा देखा था लेकिन बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही है कि राजा आई थिंक इट्स क्लियर आई थिंक ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स क्लियर कि ये जो किलर है वो हो सकता है किसी सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व होने सकता है और मे बी ऑफ कोर्स मे बी दैट्स व्हाट आई थिंक कि इसी के वास्ते वो मीरा देवी को मारने सकता है ऐसा कुछ नहीं है जारी शुरू शुरू में मैंने भी ऐसा ही सोचा था लेकिन बाद में मामला कुछ जमा नहीं एनीवे एक बात मेरे दिमाग में आती है जिस रात रंचो को मेरे घर से किडनैप किया गया था शायद उसी रात मेरा मोबाइल फोन बदल लिया गया हो उसी रात एनीवे कब तक बचेगा वो कमीना मुझसे राजा हम ये माइक बहुत देर तक बंद रखने नहीं सकते उसको शक हो गया तो मे बी रंचो का जान खतरे में आ सकता है ऐसा नहीं करेगा वो मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा और हाँ मुझे अभी फौरन से पेशतर मीरा देवी के पास चले जाना होगा और उसको जाकर सब कुछ साफ साफ बता देना होगा तभी तो मुझे सच्चाई का पता चलेगा बट इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा व्हाट ही विल टेल हर कि आई एम डिटेक्टिव राजा आई वांट टू किल यू हम तुमका तुम्हारा खून करना मांगते हैं इससे बट हु विल बिलीव यू जस्ट टेल मी कम ऑन जेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मीरा देवी को इस बात का जरा सा भी एहसास हो गया कि उसकी जान खतरे में है अपना प्रोग्राम कैंसिल करके घर चली जाएगी नीचे हॉल में आएगी नहीं आई नो आई अंडरस्टैंड बट राजा तुम एक पॉइंट समझने की कोशिश करो कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है अगर तुम मीरा देवी को 6 बजे तक नहीं मारने सकता है तो वो इन एनी केस रेंचो को मार देगा और व्हाट द टाइम नाउ 5:00 माय गॉड 6 बजने में 1 घंटा बाकी 1 मिनट चले 1 मिनट दो ही मुझे इस माइक की रेंज को ये हुआ कि उसको मुझ पर नजर रखने के लिए हमेशा यस हम तो ये बात सोचा नहीं हमने और इसका मतलब ये भी हुआ कि रंचो और वो आदमी इसी होटल में मौजूद है वो यस क्योंकि मैंने रंचो की आवाज सुनी इस फोन पर गॉड हमें दो काम करने होंगे जल्द से जल्द व्हाट जेरी दो जाने खतरे में है अगर मैं वो नहीं करता जो वो चाहता है कि मैं करूं रंचो के साथ साथ मीरा देवी की जान लेने की कोशिश भी कर सकता है इतने हमारा पहला प्रेफरेंस होगा कि वो किसी तरह मीरा देवी को उसके कमरे से बाहर निकलने से रोकना और उसके बाद उस किलर का तलाश करना एंड ऑल बिफोर 6:00 लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी मुसीबत पेश आ सकती है व्हाट अगर वो हमसे 100 फीट की दूरी पर है तो मुझे कभी भी मीरा देवी के कमरे तक जाते हुए देख सकता है right? और मीरा देवी यहां से सिर्फ 2 फ्लोर ऊपर है हम ये मीरा देवी तक अपना मैसेज कैसे पहुंचा दे सकेगा एक प्लान है रादर एक आइडिया है मेरे दिमाग में जस्ट होल्ड इट तुम्हारा वो स्पेशल इफेक्ट वाला तुमने कहा था ना कि इस कार में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर मौजूद है तो क्या हम उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ऑफ कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स हम किया रिकॉर्ड वेरी गुड इसका मतलब ये हुआ कि ये कार हमारा मैसेज लेकर जाएगी मीरा देवी तक All set? Yeah, absolutely set.
रिमेंबर वन थिंग, ये कार को हमें सेकंड फ्लोर तक भेजना है। या या, जैसे कोई आदमी लिफ्ट के पास आएगा, हम भी गाड़ी को अपना कार को उसके अंदर प्लांट करेगा, ओके? ये तो कोई आ रहा है ना? एक मिनट, अल्बो फोर्ड, यस यस यस, मोमेंट मोमेंट मोमेंट, यस यस। Yes, very good. Now tell me, who is she? एक मिनट, एक मिनट, मैं तेरे काम में बताता हूँ। You know what? हाँ। अरे, ये तो मीरा देवी की सेक्रेटरी है। Okay, okay, come, 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 come. Yes. ये किसका दरवाजा खटखटा रहा है, देखिए जरा। ओके ओके, I'll go little forward. मैडम जल्दी करो ना, कितना बजा? मैडम इट इज ऑलरेडी 5:15, व्हाट आर यू डूइंग मैडम, कम ऑन। ए राजा, दरवाजा खोला देखो। प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो तुषार दलवी है, जर्नलिस्ट। माधवी का इससे क्या ताल्लुक? चेरी, तुम आवाज सुनने का कुछ कर सकते हो? वॉल्यूम बढ़ा सकते हो या कुछ भी? रियली सॉरी राजा, तुम इसमें पिक्चर देख नहीं सकता बट साउंड सुन नहीं सकता। इफ यू वांट आई गो मोर फॉरवर्ड। राजा, हाँ, तुमको यकीन है कि रेंचो को किडनैप कोई लड़की नहीं किया? लड़की कोई किडनैप नहीं किया? कैसे राजा, बेहतर राजा, हाँ फिर ओके। My God, ये लिफ्ट की तरफ आ रहा है। Right, right. राजा, this is called luck. कार को उधर ले जाओ, कार को। Okay, 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 okay. Come, 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 come. Hello. ये कार इसके लिफ्ट का अंदर। ये राजा अपने काम बन गया है। Very good.